फ्रांस में टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल ने शहरियों के लिए दफ्तर आना जाना अजाब बना दिया। पेरिस में 12,000 टैक्सी ड्राइवरों ने एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए और हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ वजीर ट्रांसपोर्ट और वजीर दाखिला के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। जो प्राइवेट कैब आई है उनका कुछ रूल ही नहीं है, तो हमारे टैक्सी के इतने सख्त रूल हैं कि और इसमें टैक्स की शराब बहुत ज्यादा है। सनस वो इलीगल ने यानी सही नहीं है। दूसरा है कि वो सही काम नहीं करते, यानी अपने कानून के मुताबिक नहीं करते। फ्रांस में हफ्ते से पीर तक छुट्टियां थीं और कारोबारी जिंदगी मंगल को भी जुज़वी तौर पर बहाल हुआ था। ताहम अब टैक्सी ड्राइवरों के साथ साथ ट्रेन मुलाजमीन ने भी हड़ताल की। रेलवे मुलाजमीन की ये हड़ताल असलाहत के सवाब की गई। प्राइवेट टैक्सी आई उसमें 1400 यूरो है फीस, गवर्नमेंट लेंदी बसों देने लिए। इस वास्ते जो लोगों ने 2.5 लाख खर्चा वो सारे कर रहे हैं स्ट्राइक। हड़ताल करने वाले टैक्सी मालकान का कहना है कि उन्होंने लाखों यूरो खर्च करके ये कारोबार शुरू किया था, मगर नई हुकूमती स्कीम के तहत लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां भी टैक्सी के तौर पर चला सकते हैं और इंटरनेट पर उनकी बुकिंग कराई जा सकती है, जो उनके लिए नाकाबले कबूल है। कैमरामैन कामरान हनीफ के साथ रजा चौधरी, जियो न्यूज़, पेरिस, फ्रांस।